I stood for my right. Overall experience was really good. Happy club and happy ho gaya. Hello guys, this is Shivashish here and you are watching me exclusively on indianexpress.com. Please don't forget to like, share and subscribe. Thank you. ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है. रोज आम मर्रा की जिंदगी में जो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, हमको मालूम ही नहीं होता कितना इंपॉर्टेंट होता है वो. भले ही बर्तन धोने से लेके कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना हो, तो सारी चीज़ें करना, सीखना, सबके साथ एक एटमोसफेयर में रहना, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली इट वॉज अनफेयर, बट ठीक है. आई स्टूड फॉर माई राइट्स. आई नो आई वॉज राइट एंड आई स्टिल एम राइट. बाकी घर वालों को भी ये लगा, मेरे बिग बॉस का कॉल है, अब वो फेयर है अनफेयर है वो उनके ऊपर है. और मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ एंड आई एम श्योर जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनने भी देखा एंड दे ऑल्सो बिलीव कि मैं सही हूँ. और अगर उस चीज़ से निकाल रहे हैं बाहर, वो इट्स फेयर है ना. ऑब्वियसली आई फेल्ट बैड यार, कि जब आप दूसरे लोगों को नहीं दे रहे हो उस चीज़ के पनिशमेंट और खाली मुझे ही टारगेट करके स्पेशली दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आई फील बैड अबाउट इट. पर मुझे इस चीज़ का गर्व है कि मैं उस चीज़ पर खड़ा रहा, उस चीज़ के अगेंस्ट मैं पलटा नहीं, भले मुझे उसके लिए बाहर क्यों ना आना पड़े. रियलिटी शो है, आपको अपने व्यक्तित्व दिखाना है. तो मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है, अगर मेरे लिए सही हूँ और मेरे सिद्धांत मेरे रूल से पहले आते हैं, तो भले वो बिग बॉस का शो हो या आम जिंदगी हो. एब्सोल्युटली ओनली एंड सोली वही था रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज आपने देखा होगा सारे घर वाले रेडी थे, वो मना कर रहे थे कि भाई इसको मत भेजो. ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग गुनहगार थे वो खुद आगे बढ़ के बोल रहे थे कि भाई ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेयर कर रहा है, और हम खुद विलिंगली लेंगे इसी जगह अपना डिसीजन. तो उसमें भी आप नहीं मान रहे हो और मेरे को निकाल रहे हो, तो इट इज़ ऑन यू. पर्सनल ग्रज निकालना होगा सही तरीके से. मुझे दिखाना था कि ये लोग जितना फेक पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग इतने हैं इतने हैं, हम वी कैन डाई फॉर ईच अदर, कुछ भी ऐसा नहीं था. आई एम रियली हैप्पी अनहैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब अनहैप्पी हो गया. और मैंने ऐसे कोई फूट नहीं डाली या कुछ आगे बढ़ के मसाला मिर्च नहीं लगाया, जो था वही बताया और वही समझाया. और उसमें जो मैंने जिसको बोला आई हैव द गट्स, और चीज़ कि मैं जिसको जो बोलता हूँ मुँह पे भी सेम चीज़ बोलता हूँ मैं कहीं पलटा नहीं, कहीं इसको बताया नहीं. आई जस्ट टोल्ड देम एंड दे रियलाइज इट और वो निकल गया. और ऑब्वियसली हैप्पी रहूँगा यार, बिकॉज जो यूनिटी यूनिटी का जो नाटक ढोंग कर रहे थे वो सामने आ गया. एज अ पर्सन इज अ वेरी गुड ह्यूमन बींग एंड ही शेयर्स अ वेरी गुड बॉन्ड. देर आर टाइम्स वेयर ही हैज चेयर्ड मी अप ऑल्सो, ही हैज टेकन माई केस ऑल्सो, बट एवरीथिंग वॉज इन अ गुड मैनर एंड आई हैव नो ग्रजेस और हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट हिम. इट इज जस्ट द शो एंड इट इज द type of the show, and if they are being unfair, you cannot help about it. रोज बदलती है, रोज चेंज होती है. पर इस मामले में मैं और शिका ओनली अगेंस्ट द एग्जाम्पल है. नो मैटर कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अगर उसने मुझे दोस्त माना है, मैंने उसको दोस्त माना है, तो वी स्टैंड बाई ईच अदर. फिर भले पूरा दुनिया अगेंस्ट हो, कंटेस्टेंट्स अगेंस्ट हो, बिग बॉस खुद अगेंस्ट हो, बट इफ वी से वी गिव आर वर्ड्स वी स्टिक टू इट. तो ये दोस्ती होती है और इसकी मिसाल आप लोग देख रहे हैं. If Sreesanth controls his anger and his impulsive behavior, he is very much potential of winning mission. So all I will say is, if you know you are right and when the question comes on your own self-respect and dignity, you are not answerable to any bloody body but just to yourself. So stick to it, and no matter whatever the race is, whatever the game is, may it be the Bigg Boss game or your life's game, stick to what you are, right? And thanks a lot guys for loving me and giving me so much of respect and being there on my corner. And I'm so sure about it, ki had it been normal nominations, I wouldn't have been got out of the house, because it was not a normal nomination and voting rights were closed. That's the reason I'm here. Thanks a lot guys. Stay the same way.